Yes. Awesome, awesome. एकदम फर्स्ट क्लास दांत का मंजन टूथ पाउडर बेनाम का कम दाम का बड़े काम का दांत का मंजन टूथ पाउडर। अरे आओ भाई अब्दुल चाय वाला आ गया। अरे आंख वाले आदमी तरह देख कर चल भाई। अबे फुट बुड्ढे बक बक मत कर। ये कमसनी ये चलन कोई कपूत कोई सपूत। क्या बात है सब लोग चुपचाप बैठे हो। शाम हो रही है और चूल्हा भी पट पड़ा है। तेरा इंतजार था तू आता तो कुछ खाने पीने का जुगाड़ करे। अरे मुझे मार गोली। तुम लोग चक्की से आटा तो समेट लाते हैं। अपन सबकी नौकर थोड़ी है जो आटा लाती। अरे वो तुझसे ही थोड़े ही कह रहा है। वो तो हम सबसे कह रहा है। हम सबसे कह रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहती ही नहीं। मैं जा रही हूँ। तू जाती है तो जा। मैं भी राजू को लेके कहीं चली जाऊंगी। तू भी जा तू भी जा मैं भी जाता हूँ। राजा राजा माँ की चिट्ठी आई है। मैंने लिखा है राजा बिल्लो तुलसी और सिकंदर को बहुत बहुत प्यार। मेरे बच्चों तुम सदा मिलजुल कर रहना जैसे दूध में शक्कर। घर की दीवार गिर गई है। हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम कर देना। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारी माँ। राजा ये माँ क्या होती है? अरे वही जो हर रोज फुटपाथ पर देखी नहीं बच्चों की उंगली पकड़े जाती है। और आंगन घर के आगे खुली जगह जहाँ रात को सो जाओ तो चांद तारे नजर आते हैं। सुबह सूरज की रोशनी सबसे पहले वहीं आती है। हवा बिना रोक टोक चलती है। अरे वो तो अपना फुटपाथ हुआ। फुटपाथ सबका है और किसी का भी नहीं। आंगन अपना होता है। अपन के पास आंगन वाला घर काहे को नहीं? देख बिल्लो ये तू क्यों और काहे के लफड़े में मत पड़। ये फुटपाथ है अपन का माँ अपन का घर अपन का आंगन सब कुछ है। नहीं नहीं अपन को आंगन वाला घर मांगता है। रानी हमें राणा साहब के खजाने का पता किसी तरह भी लगाना है। मेरी पूरी कोशिश जारी है। कोशिश नहीं हमें कामयाबी चाहिए। तुम किसी तरह भी उसको उकसाओ उसे कहीं इधर उधर घुमाने के लिए ले जाओ और फिर उसे अपने हुस्न के जाल में गिरफ्तार कर लो।
सीख तुलसी आ छोड़ ना सुअर के बच्चे हरामी तुलसी से मस्करी मत करना हाँ अपन हरामी पर तू कौन अपन अपनी मर्जी के मालिक किसी दिन तेरा टेट वा दबा दूंगी तड़प तड़प कर मर जाएगा ओए सबके मेरी बुलबुल राजा अरे वो तुलसी नहीं आए क्या चाचा तुलसी को कोई धंधा है क्या भूख लगेगी तो खुद आ जाएगी तेरी चालू चाय और सूखे पाव से अपन का पेट अकड़ गया देख देख क्या मस्त जलेबी है अरे हाँ भाई आया तू भी खाना किसने दी तुझे ये जलेबी और कौन टाइगर अपुन ने तेरे को कितनी बार बोला कि वो साला टाइगर से बात मत कर तूने उसे जलेबी काहे को ली ली तो ली तेरे को क्या तू जा अपुन को भी तेरे से कोई मतलब नहीं आज से अपुन का तेरे साथ खाना पीना बोलना सब बंद बंद तो बंद रख लो ये सब तुम्हारे तुम मेहनती नहीं बहुत ईमानदार लड़के हो हम तुम्हें पसंद करते हैं बहुत खुश नजर आ रहे हो राजा चाचा कुछ बात ही ऐसी है इस छुट्टे के नोट देना और ये भी इतना माल तेरे पास आया कहाँ से आया नहीं कमाया है 10 दिन में पूरे 50 है 50 चल सिकंदर फार्म ला अपन पहले डाकखाने फिर काम चल ना तेरा नंबर आ गया चल दे मनियाड़ा फार्म मेरे पैसे यही तो रखे थे अरे क्या हुआ अरे भाई क्या हुआ बोलता क्यों नहीं अपुन कितना मेहनत करके सिकंदर की माँ के वास्ते 50 रुपया जमा किया आज भेजने को था और टाइगर ने जेब मार दिया अब रोए नहीं तो क्या करे कहाँ से लाए 50 रुपए माँ के लिए सिकंदर तेरा कौन है अपुन का जिगरी यार है अभी तो धनमंजन बेचता है लेकिन बड़ा होके जरूर फिल्म बनाएगा तू उसकी माँ की फिक्र क्यों करता है माँ तो माँ है सेठ उसकी क्या और अपुन की क्या ये ले 100 रुपए माँ को 50 रुपए अपनी तरफ से देना और 50 रुपए मेरी तरफ से अरे माँ तो माँ है तेरी क्या और मेरी क्या साला अपनी मासूमियत बेचता है बाप का माल है क्या देख टाइगर ये पैसा माँ के लिए है साले निकल अरे हट मुझे नहीं पता मेरे पास नहीं है माँ का था माँ के पास गया ये नोट तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा क्या सदाधार पृथ्वी जामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम पुजारी जी अपन 100 का नोट रखा था भगवान के पास माँ का वास्ते बालक तुम्हारा 100 का नोट भगवान के सामने झूठ नहीं बोला करते बच्चे आप मेरे साथ आइए बच्चों तुम वहां जाकर बैठो तुलसी चल डॉक्टर साहब राजा बच जाएगा ना आप बैठिए खून बहुत बह गया है और तो मेरा खून ले लीजिए ना डॉक्टर कुछ भी कीजिए लेकिन उसे बचाइए इसे बहुत ज्यादा खून चाहिए देखिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल है यहां आपका बहुत खर्च आएगा तो यही होगा आप इसे किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाइए नहीं नहीं ये लीजिए ना ये रहे पैसे डॉक्टर साहब मेरे आज तक की कमाई है
हज के लिए जमा किए थे। राजा आपका बेटा है क्या? हाँ, मुझे चाचा बुलाता है। हमारे रिश्ते होते नहीं डॉक्टर साहब, बन जाते हैं। अरे सिकंदर, तू यहां बैठे क्या कर रहा है? अरे तू तो रो रहा है, क्या हुआ तुझे? राजा है तो हम सब है, अपन को अकेले बहुत डर लगता है। इतनी सी उम्र में इतनी समझ तेरे पास आई कहां से? चाचा ये फुटपाथ है ना, सब कुछ सिखा देता है। हाँ, फुटपाथ का संसार भी अजीब चीज है, यहाँ बचपन तो आता ही नहीं, जवानी कब बुढ़ापे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। ए परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने राजू की जान बचाकर मेरी झोली भर दी। तुमने जो 100 रुपया दिया था ना साहब, क्या मालूम टाइगर को कैसा मालूम पड़ गया, उसने अपन को बहुत मारा, मगर अपन ने कुछ नहीं बताया। उसको तो पैसा नहीं मिला, लेकिन भगवान पैसा उड़ा गया। चल मेरे साथ। कहाँ? अब तू राजा नहीं रहेगा, मैं तुझे बादशाह बनाऊंगा। रानी साहिबा, अब तो यकीन आया आपको कि मेरा शेर फुर्तीला है? थैंक यू। अब राम उम्र भर हमारे इशारों पे दौड़ता रहेगा। आज राम ने तुम्हारी जिंदगी पर गुनाह का एक और पैबंद चिपका दिया, उसे माफ करते आए हो, माफ करते रहना राजा। दो भाई राम, अपने हिस्से के 2 लाख रुपए, हो जाए को जश्न। रख दो कहीं, इन रुपयों की मंजिल किसी जश्न हाल तक नहीं, बल्कि कई जरूरतमंदों के दर तक है।
दर तो तुम्हारे लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। रानी साहबा बहुत परेशान थी, कल रात जो तुमने हीरों का हार चुराया वहां तक पहुंचना और फिर उस तिजोरी को खोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन तुमने वो भी कर दिखाया। राम, तुम वाकई अपनी दुनिया के बेताज बादशाह हो। राम भले ही आपकी दुनिया का बादशाह हो, लेकिन गलियों के बादशाह राजा के साथ बात करने का साहस नहीं कर सकता। रहा रानी साहिबा को जो राम को शेर समझती हैं, उन्हें एक मशवरा देना राम की तरफ से। शेर का मतलब समझने वाले लोग उसके पंजों पर शक नहीं करते। अब फिर उन बस्तियों में जाने की तैयारी कर रहे हो राम? एक बात मेरे समझ में नहीं आती, तुम्हारे जिस्म में ऐसा फुर्तीलापन है और हाथों में वो फन है कि दुनिया की कोई भी रौनक तुम्हारे कदमों में झुक सकती है, और तुम हमेशा ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर न जाने उन बस्तियों के अंधेरों में क्या तलाश करते रहते हो। उन बस्तियों के अंधेरों में विनोद सेठ राजा का मकसद पल रहा है, और राम की जगमगाती दुनिया से उन बस्तियों का अंधेरा कहीं ज्यादा रोशन और इबादत के काबिल है। और एक बात यकीन के साथ अपने जहन में बिठा लीजिए, अगर कभी इन आनीशान महलों और राजा की झोंपड़ियों में टक्कर हुई तो जीत झोंपड़ियों की होगी, इन महलों की नहीं। टक्कर से पहले अपना हिस्सा संभालो और बैंक में जमा कर दो, कहीं वो रोटी वाला चोर ना हाथ मार जाए। विनोद सेठ, मैंने अपनी जिंदगी के सारे खाते गरीबों के दिलों में खोल रखे हैं, जहां ये हराम की कमाई हलाल की बन जाती है, जिसे ना तो कोई ताला चाहिए और ना ही कोई चाबी। राम, पैसा चाहे हराम का हो या हलाल का, दोनों का रंग एक, बाजार में दाम एक। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। सेठ, हराम और हलाल की कमाई का रंग और दाम का फर्क बाजार में नहीं अपनी अपनी इंसानियत के पैमाने से होता है। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। नमस्कार स्वामी जी। जय हो, जय हो। कहिए आपका यहाँ ने कैसे हुआ? हम यहाँ के मैनेजर से मिल सकते हैं? कहिए, मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ, फरमाइए। मैनेजर साहब, वो मालूम हुआ कि इस यतीम खाने के बच्चों ने पिछले 2 साल से कोई त्यौहार नहीं मनाया। हाँ, फंड्स न होने की वजह से हम लाचार हैं। एक बड़े सेठ से हमें ये धन मिला, हम संतों को ये माया किस काम की, सोचा इस यतीम खाने को देते चलें, कुछ गरीब बच्चों के ही काम आ जाएंगे। आप तो राम के भेजे हुए अवतार हैं हमारे लिए, इस बार इन यतीम बच्चों की दिवाली में अंधेरा नहीं होगा, रोशनी होगी, खुशियां होंगी। खुशियां बांटना ही हमारा धर्म और कर्म है। जय हो, जय हो। राम तेरी लीला ने साला राजा तेरे बिना जी नहीं सकता। रे जिए भी तो कैसे, बचपन से ही तेरी उसकी यारी है, तू भूल तो नहीं गया जब एक मासूम राजा ने अपने आप को बेचकर 100 रुपए कमाए और तू लेकर भूल गया जानी। राजा साले को तो अपने बारे में सोचने का चांस कभी दिया नहीं तूने। तू ही तो बता कि तू इतना भूल क्यों जाता है। राजा को तो दुनिया भूल गई, तू भूल गया, कोई वादा नहीं, पर औरों का क्या होगा। क्या मेरा क्रोध से धीरे धीरे ट्रैक्टर करता है और कोई 2 फुट के फासले पर रुक जाता है, और हीरोइन अपनी खूबसूरती से बेखबर गन्ना खा रही है। चाचा, ऐसी धांसू हीरोइन लाया हूं कि अरब की लैला उसके सामने कुछ नहीं। क्या कैमरा हीरोइन के चेहरे पर है, हीरोइन के चेहरे पर है, और एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक सस्पेंस में बदल जाता है, और उधर में विलन चाकू लिए, चाचा चाकू लिए धीरे धीरे हीरोइन की तरफ बढ़ रहा है, और हमने क्या किया, चाकू को लॉकी में डिजोल्व किया, खच्चा चाकू लॉकी में बदल गया, और उधर हमने क्या दिखा कि हीरोइन की मां धीरे धीरे लॉकी काट रही है, और तुम यानी कि हीरोइन का बाप मोर छाप
बीड़ी का बंडल खोल रहे हो। अरे बेशरम, तू ये क्लोजअप कट, तुम्हारी फिल्म की शूटिंग कब तक दिखाते रहोगे? तुम्हारी हीरोइन सड़क का गज बन के घूम रही है। टाइगर, जरा इधर उधर देख कर चला कर तुलसी, हम भी तो पड़े हैं राहों में। रस्ते का कूड़ा करकर जमा करने के लिए तुलसी के पास टाइम नहीं। सर तेरे की 25 क्या 25,000 ले ले तू, लेकिन पैसे की बात करके मेरे प्यार का नशा तो मत उतार। चल हट पीड़ू, धंधे का टाइम है। अरे अपुन के साथ चल, डबल बेडरूम के फ्लैट में डाल देगा तेरे को। देख अपुन को फ्लैट का झांसा मत दिखा। अरे सुन, राजा के साथ तो तू कभी ऐसी बात नहीं करती। देख तू हमेशा राजा का नाम मत लिया कर। ए तू टाइगर की बन या ना बन, लेकिन राजा की मत बनना, वरना अच्छा नहीं होगा। अपुन तो राजा के है ही, वो ही अपुन का नहीं बनता। ये मैं मालन जमला कटवाली।
ऑर्डर, हाथ बढ़ाओ और माल दिखाओ। अरे बच्चों से लेकर श्रीमती जो श्रीमानों, हम हैं मशहूर सिकंदर मंजन वाला। अब मंजन की बात सुनाए, सिकंदर जब यूनान से चला तो पीले थे उसके दांत, सिकंदर जब यूनान से चला तो पीले थे उसके दांत। बलूचिस्तान अफगानिस्तान तुर्किस्तान होता हुआ जब पहुंचा हिंदुस्तान तो पोरस बोला। ना तुम हंसो ना तुम बोलो, माजरा क्या है? अरे भाई ना तुम हंसो ना तुम बोलो, माजरा क्या है? तो सिकंदर ने दांत छुपाते हुए बोला, किसी दन मंजन वाले का पता बताओ, इन पीले दांतों से मेरी जान छुड़ाओ। और इस मंजन से उसके चेहरे पर आई हंसी, सफेद चमकीले दांत दिखाकर बोला सिकंदर, अरे ये तो है कमाल, तुम्हारा देश तो है जादू से मालामाल। अरे तुम्हारे देश में अपना क्या काम, हम तो जाते अपने गांव। अरे आप लोग खड़े हो, बढ़िया बढ़िया। हां बढ़िया। इस इकलौते पैकेट को देखकर घबराइए नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत से पैकेट्स हैं, सबके भले के लिए मैं ये मंजन जगह जगह पे। बढ़ जा, बढ़ बढ़। क्या हुआ? एक बुढ़िया मेरे कॉफी, एक बुढ़िया मेरे कॉफी। रस्ते का माल सस्ते में, सस्ते दाम का पड़े। अरे धर लियो रे भाया, धर लियो। थारी चर्चा सुन सुन के तो मारी आत्मा प्रसन्न हो गई। थे ही मशहूर सिकंदर मंजन वाला है ना? जी हाँ, नाचिस का खूब पहचाना। कहिए आपको कितनी पुड़िया मंजन दूं? अरे छी छी, आपको देखकर लगता है आप तो होलसेल एजेंसी लेने आए हैं। क्या है सर जी, आज माल बहुत कम है। ऐसा करो, एडवांस दो, ऑर्डर बताओ और कल अपना माल उठाओ। एडवांस देने के वास्ते तो हम आए हैं। आज से तुम हमारी फिल्म में बुक समझो। अच्छी बात है। और ये लो एडवांस। अच्छी बात है। लो लो, क्या के आज हमारे दिमाग में एक फर्स्ट क्लास आइडिया आया है। फर्स्ट क्लास आइडिया सिकंदर, पहले तुम्हारे दिमाग में आता ही नहीं, बोलना मत छोड़। आइडिया ये है कि तू बहुत ही खूबसूरत है। वो तो मालूम है, आगे बोल। आगे बोलो। तो हम सोचा कि तू फुकट में काहे को अपनी जिंदगी खराब करता है। अरे ये कोई जिंदगी है ना? घर है ना आंगन। राजा अपन के वास्ते आंगन बनाने को बोला है। देख बिल्लो, सिकंदर राजा का बहुत बड़ा यार है, राजा के वास्ते जान दे देगा लेकिन झूठ नहीं बोले। ये राजा से आंगन वगन नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, आगे बढ़ो। ए बिल्लो, बिल्लो, हमने उसे सब कुछ सुना दिया, वो हमारी बात सुनकर बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि एकदम से खटाखट ओके कर दिया। बोला सिकंदर तू तो कमाल का राइटर है, फर्स्ट क्लास, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसमें एक नवी हीरोइन चाहिए। तो मैंने छाती तोड़कर कहा, बोला ऐ सेठ, हीरोइन की परवाह मत करो, नया हीरोइन हम लाएगा क्या? लेकिन धोती वाला आदमी बड़ा कमाल का आदमी है, अच्छा आदमी है। बोला सिकंदर तेरे जैसा राइटर को 100 रुपए एडवांस दिया, तू हीरोइन फेंक। और अगर राजा को हीरो डाले तो बिल्लो फोकट में काम करेगी। कब तक बोझ उठाएगा राजा, कब तक? राजा, तेरे लहू के पसीने ने गाड़ी के साथ मिलकर एक छोटी सी चक्की को इतना बड़ा मिल तो बना ही दिया। खैर बुद्धू, तू रहा फक्कड़ का फक्कड़, वही मजदूर का मजदूर। देख सेठ, तेरे बंडल मुंशी ने अपन को डबल मजदूरी का सिंगल पैसा दिया। 10 रुपए नहीं देगा तो और क्या 100 रुपए देगा? एक मजदूर की इतनी लंबी जबान ठीक नहीं है राजा। देख सेठ, इसी मजदूर की लंबी जबान से एक राय देता हूँ कि अपन लोगों का पसीना बोरियों में भरकर हीरों के भाव बेचना बंद कर दे। मेरे पास कोई हीरे वीरे नहीं है। अरे ये हीरे नहीं तो हीरों की तिजोरी सही। ये ले 10 रुपए, चल फुट चल फुट फुट तिजोरी। ये 10 रुपए बिल्लो के बड़े आंगन वाले घर के, और ये 10 रुपए हमारे चाचा के हज के, और राजा तुम रहे ठन ठन गोपाल। मेरे हीरे सब लुट गए, कितनी बेईमानी से इकट्ठे किए थे। पुलिस पुलिस। राजा, मुझे डर लगता है, रोटी वाले चोर को इस हांडी का पता चल गया तो? अरे माटी की हांडी में उसके लिए क्या रखा है, वो तो सिर्फ हीरे चुराता है,
माल को हाथ लगाएगा तो हम खलास नहीं कर देंगे साले को। बिल्कुल खलास कर दोगे? बिल्कुल, तू फिक्र मत कर। अभी काम से लौटा हूँ, मुझे प्यास लगी है, एक कप पानी तो पिला। अरे बाप रे बाप, बड़ी मालदार है आंगन सेठ, तूने मेरा टेटुआ दबा दबा कर 5,050 रुपए इकट्ठे कर लिए। और कितने पैसे लगेंगे घर बनाने में? यही कोई 20-25 हजार। 20-25 हजार? देख राजा, तू बिल्लो के घर से मस्करी मत करना। हमने तो माई की समाधि पे कैंडल जलाना भी शुरू कर दिया है। बिल्लो, घर मांगने से नहीं मिलता, बनाना पड़ता है। अगर तेरे मांगने पर भगवान ने किसी और का घर अपन को दे दिया तो क्या तू रहेगी उसमें? नहीं तो। चलिए थैलियां रख दे। अच्छा तो एक बात बता, वो जो टाइगर है ना, हाँ? वो तेरे माफिक पढ़ा लिखा है? नहीं, फिर वो मोटर में घूमता है और तू अभी तक ढोल पीता है। अच्छा तो ये देख, मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, पूछती थी ना मैं रातों को कहाँ रहता हूँ, अब लाइसेंस आया तो मोटर भी आ जाएगी। अरे मुर्गी चोर कहाँ से आई गवा, मुर्गी के पालन को तो मुआ हराम का ले गवा, नतनी बयान लायक हो गई। अरे खाला का बात है, अरे कहाँ से लाए तो करीब हर रुपया। उहन परसों उझाड़ू मार टाइगर बानू को डबल दू का झांसा दे फुसलात रहा। अरे ये बम्बई मुर्गी और नातिन के रखने का शहर नहीं रहेगा बेटा। बानू के लिए कोई लड़का देखा खाला? माशा अल्लाह बीए पास है, 400-500 पगार पा रहा हाँ। अरे इतना तो मरने पर खर्च हो जाता होगा, आजकल की महंगाई के जमाने में उस हाल जीता कैसे होगा। ये बात काई को बोलता है राजा? अरे वो बूट पॉलिश करता तो इससे ज्यादा कमा लेता है मक। अरे कम बखत पढ़ लिख जो गया तो बूट पॉलिश काहे करे, वो भूखो मरे या जिए। चोर 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 चोर, भागो दौड़ो, अरे भागो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो। अरे अभी अभी चोर पीछे से कूद गया है। राजा सिकंदर को बुलाओ, जल्दी जाओ जाओ। अरे का धांधल है खाला? अरे चोर घर में घुसा हुआ बेटे। अरे कुछ चीज चुराए ले गवा का? अरे बेटा चोर तो चोरी करे आवत है, जो हाथ लगा उठाई ले गवा होगा। अरे खाला फिर तो चटाई ले गया होगा। नानी नोट, नानी नोट, ये देखो नानी नोट, ये लंबी चौड़ी रोटी, ये नोटों का बंडल नोट। याल्ला, उस चोर का भला करना मेरे मालिक, उस चोर का भला करना मेरे मालिक, भला करना, भला करना मेरे मालिक, भला करना। जिस रोटी वाले चोर की हमें तलाश है, पता चला है कि माहिम की झोपड़पट्टी में अब्दुल चाचा चाय वाले की दुकान पे वो अक्सर आता जाता है, तुम जरा वहां पे नजर रखना। वो बेचारा तो आया लेकिन शोर किया उस नवाबजादी ने, चोर चोर चिल्लाए रही, लेकिन उसकी शराफत तो देखो, पूरमपुर 10,000 छोड़ गया। ई नीले आसमान वाला चाचा कोई ना कोई ढकोसला निकाल ही लेता। इस कलयुग में ये दानीकरण कहां से पैदा हुआ? धर्म की बात चाचा, ई भूखा इंसान खुदा को कहीं टिकने नहीं देता। वो इधर जाता है तो रोटी मांगता है, उधर जाता है तो पैसा मांगता है, कभी शादियां कभी बच्चे। शायद इसीलिए ये खुदा कभी भगवान बन जाता है, कभी भगवान से खुदा, और कभी ईसा मसीह बन जाता है। ये हम ही लोग ऊपर वाले को क्या क्या बना देते हैं। चलो बानों का ब्याह तो जाएगा। कब आ रही है बानों की बारात? ये बुढ़िया बड़ी चंट है, उसे डर है कहीं रोटी वाला चोर पैसे वापस लेने ना आ जाए। उसका बस चलता तो अभी बुला लेती बारात, वैसे आ रही है कल। हाँ तो मेहरबानों कदरदानों सुनिए, मुझे बिना नाम का सस्ते दाम का बड़े काम का, रस्ते का माल सस्ते में, हाथ बढ़ाओ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, जब शहजादा अपनी शहजादी के लिए दंद मंजन की तलाश में अपने तख्तो ताज को ठोकर मारकर गली गली कुचे कुचे निकला, आया मैं प्यार
पैगाम लेके आया, आया मैं प्यार का पैगाम लेके आया, बना लो किसी को किसी के बन जाओ, वो प्यार की धुन पर ना चोर गाओ, बना लो किसी को किसी के बन जाओ, ये प्यार की धुन पर ना चोर गाओ, है गिनती की सांसें घूमो मुस्कुराओ, है गिनती की सांसें घूमो मुस्कुराओ, दुनिया में रखा है क्या प्यार के सिवा, दुनिया में रखा है क्या, ये बोलो दुनिया में रखा है क्या, सदियों जीने से अच्छे तीन चार प्यार वाले, तीन चार प्यार वाले, लाख फसानों से बढ़ के दो बोल यार वाले, दो बोल यार वाले, प्यार बिना ये दुनिया क्या है बस एक वीराना, प्यार बिना हो जाए इंसान अपनों से बेगाना, आया मैं प्यार का पैगाम लेके आया, बना लो किसी को किसी के बन जाओ, ओ प्यार की धुन पर ना चोर गाओ, है गिनती की सांसें घूमो मुस्कुराओ, दुनिया में रखा है क्या प्यार के सिवा, दुनिया में रखा है क्या, ये बोलो दुनिया में रखा है क्या, कुछ नहीं। प्यार किया है जिसने उसका ऊंचा मकाम हुआ, ऊंचा मकाम हुआ, लैला मजनू हीरो राजा सबका नाम हुआ, सबका नाम हुआ, प्यार ही बाइबल प्यार ही कुरान प्यार ही गीता है, वाहे गुरु कहते नफरत हारी प्यार ही जीता है, कोई मजहब प्यार नहीं सिखाता, हर मजहब प्यार सिखाता है ना, प्यार की बोली सब कोई बोलो, सब कोई बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, वाहे गुरु सतनाम बोलो, वाहे गुरु सतनाम बोलो, अल्लाह 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 बोलो, अल्लाह 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 बोलो, लव थाय नेवर लव थाय नेवर, बोल गए ईसु पैगंबर, प्यार के सिवा दुनिया में रखा है क्या, प्यार के सिवा हर दुनिया में रखा है क्या, प्यार के दुनिया में रखा है क्या। पहचाना टाइगर को? और सुनो बेटा, राजा से कह देना कि तुम्हारा ये झोला टाइगर ले गया, ताले को खलास ना कर दिया तो टाइगर नाम नहीं, समझे बेटे? तेरा झोला अपन अभी लाते हैं सिकंदर। अरे राजा जाने दे साले झोले को, उसमें रखा ही क्या है, घड़ी की मिट्टी और कोने का कचूमर, वो तो मैं फिर बना लूंगा। अरे साले टाइगर की ये हिम्मत, ये लो
अरे अपुन तो बात बदलने के लिए बोला, तू तो अभी तक झोले में अटका हुआ है। सिकंदर, ऊ झोले में अपनी इज्जत है। लगता है टाइगर की धुलाई करके लाइए। अपुन के पास तो बस एक ही हीरा है, उसी से काम चलाते हैं जब तक चलता है। तू दुखी हो गया राजा? तू तो बड़ा बहादुर निकला रे। अपुन ने तो फुकट में मेहनत की, तेरी इज्जत उस झूले में भी तो थी। अपुन का मुखड़ा सिकंदर का झोला नहीं है राजा, तुलसी टैक्सी है राजा, वो कहते हैं टैक्सी, तेरी प्राइवेट कार नहीं। सुना तूने? राजा 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 राजा, भगवान की औलाद, भगवान तो सदियों से सब कुछ भुला चुका है और तू उठा है सबके गम बांटने, चाहे वो सिकंदर का झोला हो, बिल्लों के अधूरे सपने या तुलसी का जन्मी उदास बदन। तुझे अपनी गंदी और अंधेरी गलियों के हर कंकर में अपनी जीत और दूसरों के छुपे हुए सुनहरे ख्वाब नजर आते हैं। तुझे लगती नहीं राजा? बड़ा भगवान बना फिरता है, सबका दर्द तो समेटता फिरता है, कंजूस कर अपना दर्द तो किसी को नहीं देता। सिकंदर, तू मेरी इतनी फिक्र मत किया कर। नहीं, मेरी
भानु का तो ब्याह हो गया। पार्वती माँ, ये शंकर भगवान से अब ये पूछकर बताओ कि राजा अपन के साथ ब्याह कब ले जाएगा। ए पार्वती भैया, शंकर भगवान से पूछने से पहले हमारी कथा सुन लो। ये पगली हमेशा बेमौसमी बात करती है, जमीन खरीदने से पहले घर बनाने की। अब मैंने जमीन खरीद ली है, पहले घर बनेगा फिर शादी होगी, लेकिन ये पगली पहले शादी की बात करती है। गलती हो गई राजा, माफ कर देना। अरे पगली, पहले घर बनेगा तो शादी होगी ना, फिर हमें शादी करके यहाँ तो रहना नहीं, या रहना है? ना बाबना, अपन को तो आंगन वाला घर में रहना है। लाए फूल भगवान को चढ़ा दो। रास्ते का माल सस्ते में। हाँ भाइयो, ये देखिए, अब मेरे मंजन का कमाल देखिए। अरे वाह, क्या मंजन है, वाह। ले भाई ले, ले ले। साला मिथुन चक्रवर्ती का माफिक, हम सबको धो के अस्पताल भेजेगा क्या? हाँ, ये फुटपाथिया कोयले का भूरा बेचकर पब्लिक लोगों को सेंडी लगाता है। तुम पब्लिक लोगों के सामने सिक्का अपने दांतों से टेढ़ा करके दिखाता है क्या? तुम मेरी एक बात मान लो, मेरी ये पुड़िया रख ही लो, क्योंकि ये दंत मंजन इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारी बत्ती से दो चार मुक्के छिलने के काबिल हो जाएगी। अबे जाने दे इस फुटपाथिया को, बोला ना जाने दे। अपुन लोग मर्द लोगों से टक्कर लेता है क्या? ये साला तुलसी के धंधे की खाता है। लगता है तुम लोगों की परवरिश किसी आंगन में नहीं हुई है, वरना तुलसी का मतलब समझते हैं। आज के बाद इस पवित्र नाम के साथ किसी की जबान से गंदगी निकली तो फुटपाथ की कसम, ये छोले वाला सिकंदर ज्वालामुखी बन जाएगा। शहर में जो कुछ था सब चला गया, ले देकर एक अंधा बाप और एक इज्जत बचा रखी है, उसके पीछे भी कब से टाइगर पड़ा हुआ है। इन टाइगरों के शहर में अपने आप को कहां छुपाऊं? अरे अपन तो तेरे को कितनी बार बता चुका है, पर तू समझे तब ना। और फिर ये मैं भी तेरे को नहीं समझाती। देख सुसी, अपन तुम्हारे अच्छे के वास्ते बोलता है। अरे क्या रखा है तुम्हारे उस अंधे बाप की उस अंधेरी झोपड़ी में? सूजी घर जाओ तुम। सुसी, महल्ले को टाइगर बाजार नहीं बनाते, अगर महल्ले को बाजार बनाओगे तो बहुत खराबी हो जाएगी। आज के अखबार में पढ़ा कि आपके अस्पताल में एक बच्चे का खास इलाज एक बड़े अस्पताल में ही हो सकता है। हमने प्रेस भी की, इश्तिहार भी दिए कि शायद कोई मददगार आ जाए, इसीलिए मैं यहां आया हूं। ये लीजिए रुपए।
ये उस बच्चे की बीमारी के इलाज के लिए काफी है। आज के बाद आपके सकाराती अस्पताल में कोई मरीज पैसे की कमी की वजह से नहीं मरेगा। मैं आता रहूंगा। आप तो हम सब के लिए मसीहा बनकर आए हैं। राजा तू सुना टाइगर का बच्चा क्या बोला? वो तेरे को खल्लास कर देगा। तू उसकी बात मानी नहीं राजा? राजा तो बहुत साफ सुथरा इंसान है, मगर खिलाड़ी नहीं। मैं हर एक आदमी के लिए खिलौना हूँ, पर अपने मोहल्ले का आदमी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। वहां तुलसी की आत्मा रहती है और तुलसी का बदन बहुत दूर घर और मोहल्ले से। अजनबी मिला चला गया, वो अगर लौटे भी तो तुलसी उसे नहीं मिलती। तेरी आत्मा इतनी सुंदर है, तेरा दिल सागर की तरह फैला हुआ है, लेकिन 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 कुछ भी नहीं है। मैं तुलसी हूँ हरेक की पूजा के लिए, लेकिन घर में नहीं, घर के बाहर। इसीलिए मंजिल तक न पहुंचने वाले रास्ते अपना लिए। मेरी मंजिल ही नहीं है, इसीलिए चलती ही रहूंगी। और तू मंजिल की तलाश में है, पहुंचते पहुंचते शायद मर जाएगा। तुलसी, इस राजा की जिंदगी में जीने और मरने में कोई दूरी नहीं, लेकिन जिनकी आत्मा बिक गई वो मर गए जीते हुए भी, और जिनकी आत्मा कोई खरीद नहीं सका वो जीते रहे मर कर भी। लेकिन तुलसी, हर अच्छी आत्मा को एक नेक बदन चाहिए, अंदर भी और बाहर भी। हम दोनों शायद एक जैसे हैं, सफर की गलियां अलग अलग हैं। स्टेशन में इंस्पेक्टर की परेशानी, चोर की गिरफ्तारी का इनाम 25,000, 25,000, 25,000। अगर साला अपुन को मिल जाए, अपुन तो 25,000 में दिन भर की शूटिंग कर डाले। हीरो हीरोइन राजा और बिल्लो का धड़कता हुआ फड़कता हुआ गाना। वाह, सिकंदर की सोहबत में चाचा अपना भेजा भी खुलने लगा है। एक अव्वल नंबर का आइडिया, खोज खाज कर रुमाली रोटी वाले को पकड़वा दो, 25,000 थामो और चुटकी में हज कराओ। अरे हम क्या सीआईडी हैं जो किसी को पकड़वा दें? तुझे हज नहीं करवाना है तो कह दे, हम कोई दूसरा बंदोबस्त कर लेंगे। बंदोबस्त तो अबू चाचा फिर वो फरिश्ता ही करेगा। कब्बन ना कब्बन वो रुमाली रोटी वाला एक पार्सल तुम्हारे यहाँ भी छोड़ जाएगा, तो फिर समझो हज कराए चोरी के पैसे से। लो बिल्लो, और सुनो, ई पैसे को का जंग लगा है? चोरी के पैसे से हज होवे या हलाल के पैसे से? चोर का पैसा का हलाल का नहीं। चोरी कितने जोखम का काम है चाचा, चोर ने का अपनी जान का पसीना ना किया होगा? पुलिस पकड़ ले तो जिंदा गाड़ दे। अरे किसी का सर काटते समय, किसी की जान मारते समय भी पसीना आता है बिटवा, पर क्या वो इस पसीने के बराबर है? अपन का सर चकरा रहा है अबू चाचा, क्या बताएं? ई बंबई शहर में सभी काम आसान हैं, बाकी पसीने का पैसा जरा बहुत मुश्किल है। कितनी रातें गुजर गईं तुझे इसी तरह देखते हुए। अपुन को रात को नींद नहीं आती ट्रैफिक इंस्पेक्टर। आज तो अपुन बहुत थके, आखिर ये मॉडल कब तक चलेगा? अपन तेरे को कई बार बोले अपना चलन बदल ले, पर तू सुने तो ना। क्या सुनो राजा, जिंदगी के बिसात पर बिछे हम सब शतरंज के मोहरे हैं, सबकी अपनी अपनी चाल शतरंज बनाने वाले ने बांध दी है। राजा तू चाचा से क्यों नहीं बोलता अपना धंधा बंद करे? सिकंदर अपना बंडल मंजन ना बेचे तो बिल्लो को क्यों नहीं टोकता? अरे राजा, कोई के पास चाय है, कोई के पास मंजन, तो कोई के पास फूल है।
अब उनके पास अब उनके सिवा और क्या है जिसे बेचे। बाकी अपुन ने तेरे से तो नहीं कहा कि तुलसी को भूख लगी है, आज तुलसी को खरीद ले। मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मेरी जिंदगी से बनी नहीं, मेरी जिंदगी से बनी नहीं, कोई जिंदगी पे करे यकीन, मुझे जिंदगी पे यकीन नहीं, मेरी जिंदगी से बनी तो उसे बोल देना है। राजा, अपन का घर और चाचा का हट सब चला गया। टाइगर, राजा आज तेरे सब उधार उतार देगा। टाइगर, तूने सिकंदर का झोला छीन कर मेरी आन को ललकारा, तूने तुलसी के जरिए मुझे जलील किया,
और अब तूने बिल्लो के घर और चाचा के हज पर डाका डाला है। राजा तू वहां मत जा, वो तुझे मार डालेगा। ये वादा रहा बिल्लो, टाइगर तेरे राजा को नहीं मार सकता। टाइगर तू आज पैसे नहीं उठा लाया, तू आज बिल्लो का घर और चाचा का हज उठा लाया है, उन्हें लौटा दे। अच्छा ठीक है भाई, ये लो ले जाओ। अरे मैंने कहा ना ले जा, तू खुद ही नहीं ले जा रहा। मुझे मजबूर मत कर, मारा मारी का अंजाम अच्छा नहीं। टाइगर ये हाथ देख, ये आज तक उठा नहीं और अगर उठ गया तो रुकेगा नहीं। ये लो। के कीड़े आज तो अपनी टांगों पर चला जा, फिर कभी आया तो चार कंधों पर जाएगा। अरे राजा बादशाह विनोद, कमाल है, आज मधु इतने सालों बाद लंदन से आ रही है और तुम यहाँ बैठे चाय पी रहे हो। और हाँ, ये राम दिखाई नहीं दे रहा, क्या सीधा एयरपोर्ट गया है? राम ही तो सबसे बड़ी परेशानी है। अच्छा तो ये परेशानी अब एक खुदरा कंबल बन गई, चुभने लगी। तुम्हारी लाडली आ जाए जरा, उसके लिए राम एक ऐसी मुलायम रेशमी चादर बन जाएगा कि उसमें वो खुद ही लिपट कर चली आएगी राम के पास। One more question, कमिश्नर साहब, रोटी वाला चोर जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया, उसे पकड़ने के लिए आपने क्या किया है? पुलिस ने रोटी वाले चोर की गिरफ्तारी के लिए बढ़ाकर 50,000 रुपए इनाम रखे हैं और मैंने ये केस अपने डिपार्टमेंट के सबसे दिलेर और होनहार इंस्पेक्टर को, जो अब तक कई कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक केस पे काम कर चुका है, सौंपा है। मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि वो इस केस में भी जरूर कामयाब होगा। उसका नाम है इंस्पेक्टर विजय। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर विजय, क्या आप बता सकते हैं कि रोटी वाले चोर को गिरफ्तार करने के लिए आपका क्या प्लान है? वक्त से पहले बताना मेरी आदत नहीं है, इंतजार कीजिए, आपको लिखने का बहुत मौका मिलेगा। कमिश्नर साहब, क्या पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला? अभी तक सिर्फ इतना पता चला है कि वो झोपड़पट्टी वालों के लिए रुपए छोड़ जाता है। क्या मुझे उन लोगों के एड्रेसेस मिल सकते हैं? यहाँ की वर्कशॉप ने हमारी आंखें चुरा ली, लेकिन हमारा साथी कोई ब्लडी फुल मालिक से ये नहीं बोला कि इस मजदूर की आंखें लुटा दो। एक दिन मालिक हमें अपने पास बुलाया और हमारे हाथ पर 200 रुपया रख दिया और सड़क पर छोड़ दिया भीख मांगने के लिए। ये तो सब देख सके कि हमारा बेटी ब्यूटीफुल और जवान है, लेकिन ये बात सिर्फ
रोटी वाला चोर ही जान सका कि इस लड़की का बाप गरीब है, ब्लाइंड मैन है। मगर वो चोर है, उसको पकड़वाना आपका फर्ज है। जिसे आप चोर कहती हैं, वो हम बेबसों का मसीहा है। अपने मसीहा को पकड़वाना फर्ज है या उसकी पूजा करना। हम ये रोटी अपनी डॉटर की मैरिज में देना मांगते हैं। क्या आपने रोटी वाले चोर को देखा है? क्या ही अच्छा सवाल किया आपने, एक अंधे से। I'm sorry. विनोद साहब घर में? चारों तरफ से घेर लो। ओ आप इंस्पेक्टर साहब, यहां मच्छर बहुत हैं, आपको नहीं काट रहे? जी हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है। इतनी रात गए यहां, मैं बेचारा तो चड्डी पहने ब्रह्मचारी की तरह तकियों गले लगाया अकेला सो रहा था। कुछ हल्ला गुल्ला है क्या? हल्ला गुल्ला ही समझिए, चोरी हो गई है। चोरी लीजिए, वो तो होती ही रहती है, कभी दिल की कभी माल की। दिल की चोरी दिल वालों के यहाँ दिल तक ही रहती है, माल की चोरी तो पुलिस स्टेशन में भागदौड़ मचा देती है। माल की चोरी हुई किसके यहाँ? अपने शहर के सेठ विनोद के यहाँ। सेठ विनोद? अरे हाँ, वो मशहूर जौहरी। जी हाँ, अपनी बेटी को तोहफा देने के लिए हीरों का हार लाए थे। उनकी कोई बेटी भी है? जी हाँ, बचपन से बोर्डिंग स्कूल में रही, फिर लंदन भेज दी गई। क्राइम जर्नलिज्म में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा पास करने के बाद अभी कुछ ही दिन पहले वापस आई है। क्राइम जर्नलिज्म? जवानी में यह शौक बुरा नहीं, सुना है क्राइम की दौड़ धूप में कभी कभी बहुत रंगीन लोगों से मुलाकात हो जाती है। देखिए, ये भी एक रंगीन मुलाकात ही रही। रोटी वाले चोर ने उस लड़की का हार चुराया, आपके बंगले की तरफ भागता हुआ आया, पीछा करता हुआ मैं आन पहुंचा, सोचा कहीं वो चोर यहां तो नहीं घुसा है। यहां? वो यहां आता तो मैं उसे कहां छोड़ता, और वो हार उस लड़की को मैं खुद अपने हाथों से पहनाता। लड़की का गला खूबसूरत सुराहीदार है ना। बात मजेदार कही राम साहब भाई। खैर, चोर की है ये बहुत ज्यादती के लड़की देश पहुंची नहीं, उसने हार मार लिया। और वो हार भी खास मकसद के लिए था, उसकी सालगिरह के लिए जो कल है। सालगिरह? माफ कीजिए, मैंने आपको। मुझे राम कहते हैं। मेरा नाम मधु है। वो तो आप जैसे टकराई थी मैं समझ गया था।
इस नाचिस तोहफे के साथ आपको सालगिरह मुबारक। थैंक यू। अरे ये नेकलेस तो रोटी वाला चोर, अगर उसने आपको देखा होता तो इन पत्थरों को नहीं चुराता। मतलब? साफ है कहां आप और कहां हीरे, बेजान पत्थर। लेकिन ये आप तक पहुंचा कैसे? कल रात एक चोर पुलिस से भागता हुआ मेरे बागीचे में घुस आया और दीवार फलांगते हुए शायद उसके हाथ से गिर गया। सुबह वहां पड़ा हुआ मुझे मिला, मैंने सोचा कि पुलिस के हवाले कर दूं, फिर मुझे ख्याल आया कि आप खुशी में बाधा क्यों डालूं, आपको देने यहां चला आया। क्या मैं इसे पहनाने की गुस्ताखी कर सकता हूं? गुस्ताखी का शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। नेकलेस, अभी तो आप कह रहे थे कि ये बेजान पत्थर हैं। तब ये आपके सीने से नहीं लगा था। राम साहब, ये राज जानना ही होगा। अबे चुन्नी मल भागलपुर वाले से उलझ रिया है। अबे हट, चल हट बाजू। पर मजदूरी तो 8 रुपए बनती है, ये 4 रुपए कैसे? अरे मजदूरी बनती नहीं, बनाई जाती है। अगर मैंने तुझे 8 रुपए पूरे दे दिए तो चुन्नी मल भागलपुर वाले का टैक्स कौन देगा, तेरा स्वर्गीय बाप? टैक्स? कौन वा टैक्स हजूर? कनवा टैक्स हजूर? जग्गे, इसे कोने में ले जाकर हमारे टैक्स का मतलब समझा दे। मतलब समझाना पड़ेगा क्या? ए नंदू, 4 ही ले ले, वरना आज भी मुनिया की दवाई नहीं खरीद सकेगा। अच्छा भैया, समझ गया। कहाँ लगा दी अंगूठा? यहाँ लगवा, यहाँ। देखो, मैं इस मुनीम को जरा हिसाब का आखिरी सबक सिखा देता हूँ। अरे भाई, आपकी मजदूरी तो हम घर भिजवा देते। 1 रुपया में 4 सन्नी झूलने वाले मुनीम, मैं इन मजदूरों के पसीने का हक दिलवाने आया हूँ। इस लंबे और मोटे बदन में कुछ नहीं रखा, अंदर कुछ शक्ति भी होनी चाहिए। आइंदा किसी मर्द के हाथ को मत पकड़ना, वरना तेरी मोटी कलाई में मोच आ जाएगी। क्या ढूंढ रही हैं आप? आप समंदर की लहरों में नहाएंगी नहीं? वो कौन था जिससे तुम बातें कर रहे हो? अरे ये तो मेरे बचपन का यार है। उसका नाम? जिस आदमी के परिचय के लिए 20 रील की रंगीन फिल्म छोटी पड़े, उसके बारे में मैं यहाँ खड़े खड़े आपको क्या बताऊँ? अच्छा, आओ गाड़ी में बैठो। हाँ, इस बात में दम है ना मैम साहब? क्या है, ये अपने फिल्म का हीरो है, लेकिन क्या बताऊँ मैम साहब, फाइनेंस चाहिए। तो चलिए आपके हीरो से मिलने चलते हैं, रास्ते में कहानी भी सुन लेंगे। हाँ, ये अच्छी बात है। आ दो मैम साहब, हमारी कहानी कुछ ऐसा शुरू होती। हमारा जो हीरो है वो एक बस्ती में रहता है। अरे कौन जान हो गया चाचा? अरे यही अपनी बस्ती की लड़कियां, ये तुलसी, अपनी बिल्लो। अरे बिल्लो को कहाँ छोड़ के आया तू राजा? मोड़ वाले नलके पे चाचा, रेत भरे पांव धो रही है। तू ये बता, तू कब तक लंगूरा घूमता रहेगा? उससे शादी बना के घर क्यों नहीं बसा लेता? बस यही पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है ना धासु कहानी? फाइनेंस पक्का? फिल्म फाइनेंसर पकड़ी लाया। चाचा छोकरी हाथ लगी है, स्पेशल चाय मार दे। यस रानी साहब। ये रहा उस बुढ़िया का पता, उसका सामान उठा के बाहर फेंक दो ताकि हम अपनी कार्रवाई वहां शुरू कर सकें। काम हो जाएगा। सब सामान बाहर फेंक दो। रहम करो बेटा, बेटा मैं कहाँ गया? मैं साथ में कहाँ जाऊँ बेटा? बुढ़िया कहीं की तेरी उम्र उस कमरे में रहने की नहीं, किसी कब्रिस्तान में जाओ। अरे भगवान से डरो, तुम्हारी भी बुढ़ी माँ। अरे हाँ बेटा, मेरा घर। कितना किराया है आपका? किराया नहीं, कमरा चाहिए, दारू का क्लब बनाएंगे। दारू का क्लब? ये सामान उठाइए और ऊपर रखिए। हाँ, लगता है आपको सुनाई कम देता है। मैंने कहा ये सामान उठाओ और ऊपर रखो। अच्छा तो रख दो। रखो। हाई, हाई। हाई।
सामान रख दूंगा। जोर से बोलो, सामान रख दूंगा। चलो, भगवान तेरा भला करे बेटा। अरे भैया, कौन खुदा का बंदा है? नया आया है, पुलिस इंस्पेक्टर है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिल, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। हाँ, एनी न्यूज सर? उस बस्ती के बूढ़े चाचा चाय वाले की दुकान पर बैठकर जो मैंने मालूम किया, उसका खुलासा यह है, वहां के लोग उसे मसीहा मानते हैं। तुम्हारा अपना क्या ख्याल है, वहां के लोगों में कोई उसे पहचानता है? मेरे ख्याल में उसे कोई नहीं जानता, अगर जानता भी है तो कोई बताएगा नहीं। अच्छा ठीक है, अब वहां जाने की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। राइट सर। और एक तुम हो जो सिखाई चले जा रहे हो। मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ, मुझे बैडमिंटन चैंपियन नहीं बनना। ये आगे पीछे राइट लेफ्ट का खेल मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। अरे राम को पाने के लिए बहुत राइट लेफ्ट करने पड़ते हैं, कभी आगे कभी पीछे, जान की बाजी भी लगानी पड़ती है। सिगरेट पीते अच्छी नहीं लगती। तेरे को अपन का सिगरेट अच्छा नहीं लगता, जिसे सब अच्छे बुरे पीते हैं। तेरे को अपना बदन अच्छा नहीं लगता, जिसे यहाँ की सब गलियां चाहती हैं। तेरे को अपन का धंधा अच्छा नहीं लगता, जो दुनिया का सबसे पुराना है। तुझे ना अच्छे लगते हैं अपने दिन, ना अपनी रातें। तो आखिर चाहता क्या है राजा? चाहने की बात ना कर तो सही। अपन चाहते तो हैं कि चाचा का हज हो जाए, सिकंदर की नाचती गाती फिल्म बन जाए, बिल्लो को चौड़े आंगन वाला घर मिल जाए, और तू तू ऐसे सोने जैसे बदन का। बाकी चाहने से कुछ होता नहीं तुलसी, कुछ नहीं होता। फिर भी
अपन चाहते हैं, चाहते रहेंगे आखिरी सांस तक। कुछ सांसें अपने लिए भी तो उठाए रख राजा। अपना पराया तेरा मेरा ये सब बचपन में ही भुला चुका था तुलसी। तू तो ये भी भूल चुका है कि सब तेरे से कुछ न कुछ मांगते हैं, तेरे को कोई कभी कुछ नहीं देता। क्यों राजा? अपन की तलाश मांगने की हद तक पहुंचने से पहले ही लौट आती है। पर तुलसी री, तूने तो आज तक अपन से कुछ नहीं मांगा। राजा को राजा से कैसे मांगू राजा, और मांग के पाया तो क्या पाया राजा। हाय राम। इधर मत आना, बस कुछ ही देर में तमाशा होने वाला, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। ओके। अरे जालिम, रन में भंगाल दिया। राम मेरी समझ में नहीं आ रहा। आएगा भी नहीं। ये नहीं राम, कल माहिम की झोपड़पट्टी में मैं एक आदमी से मिली, बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, बिल्कुल। तुम शायद जुड़वा भाइयों की कोई फिल्म देखकर आई हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो सीधे हाथ से काम करता है और बाईं तरफ बालों की मांग निकालता है, और तुम बाएं हाथ के हो और दाहिनी तरफ बालों की मांग निकालते हो। अरे, और ऐसा ही निशान उसके इसी कान के नीचे भी है। अरे कान के निशान की क्या बात करती हो, तकदीर के निशानों की बात करो, न जाने उन दोनों में कितनी दूरी होगी। नहीं राम, तुम सिगरेट पीते अच्छी नहीं लगती। ले भाई दो कागज। सेठ विनोद की घर की पार्टी में उधमपुर की महारानी का हार रोटी वाला चोर उड़ा कर ले जाएगा। रोटी सेठ के घर पार से दबाई लगाता है। दो कागज। क्या बेफजूल बात करता है, अपना धंधा कर जा, जो पैसा कमाया है वो भी गंवा देगा। बात तो ऐसी करता है जैसे रोटी वाले चोर को जानता है। अरे चाचा जल्दी जाओ, तुम्हारी जो मधुबाला है ना, अब तक गुस्से में उबल रही होगी। कौन? नहीं समझे, तुम्हारी चाय की केटली। हेलो मधु जी। ओह हेलो। कहिए आपके राम और हमारे राजा में कितनी दूरी बाकी है? इस दूरी को अगर नजदीकी में बदल दिया जाए तो क्या ख्याल है आपका? मैं आपका मतलब नहीं समझा। विजय साहब, आपको तो मालूम है कल हमारे यहाँ पार्टी है। मैं सोच रही थी राम के साथ प्यार का नाटक खेला जाए, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। बहुत खूब, मगर जरा बच के, कहीं ऐसा ना हो बेचारा गलतफहमी का शिकार हो जाए। जमी परेशान आसमान परेशान, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मेरे दिन से पूछो मेरी रात से पूछो। कुछ नहीं कुछ भी नहीं, चांद से सूरज से गर्दिश में सितारों से, कितना छुपी
से घिरा हूँ। विजय, मेरा हार किसी ने चुरा लिया। मधु जी, रोशनी गायब होते ही हावी गायब। मुझे तो राम पर शक है। शक तो राजा पे भी हो सकता है। मिंकी, मिंकी, कम है मिंकी। अरे विजय साहब, माफ कीजिएगा राम साहब। अरे आप ही का घर है। अब आप पूछेंगे कि इतनी रात को मैं आपके पास कैसे आ गया। मेरे दोस्त, आप पुलिस है, हम जानते हैं आपकी ड्यूटी किसी वक्त भी कहीं भी। थैंक यू वेरी मच। फरमाइए, मेरे लायक कोई सेवा? हल्की सी बात है राम साहब, क्या आप मिस्टर विनोद की पार्टी में मौजूद थे? लीजिए, अरे मैं नहीं तो क्या, मेरा भाई, सारी महफिल ने राम को देखा होगा। अरे मधु, मैं विजय साहब के साथ ही आई थी, रास्ते में मिंकी बगीचे में कूद गया था, उसे पकड़ रही थी। अरे वैसे भी पुलिस की और क्राइम रिपोर्टर की पुरानी दोस्ती है। दोस्त तो हम आपके भी हैं। दोस्ती में कहीं हमें क्राइम समझकर पकड़वा मत देना मेरे दोस्त। पुलिस तो आपको बिल्कुल नहीं पकड़ सकती क्योंकि आप क्राइम से कहीं बहुत दूर हैं। राम साहब, यहाँ माहिम के स्लम एरिया में एक राजा नाम का आदमी रहता है जो बिल्कुल आपसे मिलता जुलता है, और शायद आप उसी का पीछा करते हुए आज फिर यहाँ पहुंच गए और अब आपको राम पर शक होने लगा। नहीं नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन। मधु का भी यही ख्याल है, या तो वो मेरी शक्ल का फायदा उठा रहा है या मैं उसकी शक्ल का फायदा उठा रहा हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। बात सीधी है विजय साहब, मैं उन तमाम जगहों पर था जहाँ रुमाली रोटी वाले ने हाथ की सफाई दिखाई। अजीब सी बात है ना, काश वो राजा और ये राम आपके और मधु के होते हुए एक दूसरे के सामने आ जाएं। खुदा की कसम पकड़ के आपके हवाले कर दूं। आपके खेल कूद से पता चलता है कि आप अपनी जान का बड़ा ख्याल रखते हैं। अरे जान है तो जान है, फिर आप तो जानते ही हैं कि इस अकेली जान के पीछे सारा जहान पड़ा है। विजय साहब, आप फरियाद लेकर जाए तो किसके दरवाजे? अल्लाह मियाँ से बड़े नाराज नजर आते हो मियाँ। अजी क्या कहे, हमने बड़ी मुशक्कतों से अपने बेटे को पढ़ाया और इसने भी खूब मेहनत करके पढ़ा और 90% नंबर लिए, मगर आज जब हम मेडिकल कॉलेज में गए तो उन्होंने मुंह फाड़ कर 50,000 रुपया डोनेशन मांगा। अब भाई साहब कहाँ से लाए 50,000 रुपया? हमारे होनहार बेटे का मुस्तकबिल गर्क हो रहा है और खुदा भी तमाशा देख रहा है। सच ये है कि इंसान खुद ही तमाशा है, खुद ही तमाशबीन, फिर भी कभी कभी इंसान एक बहाना बनकर आता है। अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा एक दिन अच्छा डॉक्टर बनेगा। ये लीजिए खातून, मालूम होता खुदा ने आपकी बात सुन ली। एडमिशन हो जाने के बाद अगर कुछ पैसे बचे तो माहिम की दरगाह पर फकीरों को खाना खिला दीजिएगा, मौला भली करे। शायद ऐसे ही इंसानों की वजह से अब भी ये दुनिया चल रही है अम्मी जान। ये इंसान नहीं बेटा, कोई फरिश्ता होगा।
बुढ़िया से निपटते हैं। अरे बुढ़िया, ये फोकट का धंधा नहीं चलेगा। चल अब उनका हफ्ता निकाल, ये सड़ेला थोपो नहीं चलेगा। जा टिकले बस गप अति बक तमाशा। अरे बादशाह हो गया, बादशाह हो गया, बादशाह। जिनके हाथ कागज के बने होते हैं वो आग से नहीं खेलते। चल ये सब बिखरी हुई सब्जी इकट्ठी कर। हाँ बादशाह, उठा रहा हूँ। इस एरिया के जिस किसी भी दादा का पट्टा तूने गले में पहन रखा है उससे कहना कि अगर तुम लोगों के भौंकने की आवाज फिर कभी सुनाई दी तो बेवक्त की मौत मरोगे। मांगी ले कुछ रुपए और आज से बेधड़क धंधा कर। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये किस किस्म का चोर है। और तारीफ की बात तो यह है राणा कि जिस चोर को पुलिस नहीं पकड़ पाई उसे हमारी मधु ने पकड़ने का फैसला कर लिया है। क्या? हमने उसे समझाने की कोशिश की। अच्छा, तो हमें भी लेक्चर दे दिया। कहने लगी देखो मैं जर्नलिस्ट हूँ, समाचारों का पीछा करना मेरा कर्तव्य है। मधु तो जिद की जा रही है और मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। बच्चू बहुत बच लिया, आज नहीं बचोगे। बहरूपिया कभी राम, ये हमारी बेटी अपने आप से कब से बातें करने लगी और जा कहाँ रही है? उफो डैडी, फिर टोक दिया ना। क्यों, किसी जरूरी काम से जा रही हो? बहुत जरूरी, आज राम का मैच है और मैच में ही हार जीत का फैसला होता है। राजा ही राम है तो आज जरूर पकड़ा जाएगा। खड़जा खड़जा खड़जा, तैनू दिसदा नहीं कुड़िए बनबे है। एक बार मुर्गी आंखें करिया हाथ से निकल जाए तो बड़ी मुश्किल से पकड़ लेती है। ये खाया की मुख्य कबड्डी के खिलाड़ी पकड़। अरे बिल्लो, कैसे पकड़ू? अरे पकड़, मेरी हाथ में नहीं आ रही है। वो देख, वो देख, वो देख, वो देख, वो देख, पकड़ पकड़ जल्दी से, वो निकल गई। बिल्लो, वो कार में एक मुर्गी बैठी है, उसे भी पकड़ लो। चल तेरी तो, पहले ये मुर्गी तो पकड़। वो गई, वो गई, पकड़ी, पकड़ी, पकड़। डैडी, डैडी, मैं पागल हुई जा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डैडी, ओहो बाबा क्यों चिल्ला रही हो, आ तो रहा हूँ। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? डैडी मैं पागल हुई जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर बात क्या है? मैं जानती हूँ डैडी कि एक ही शक्ल के दो आदमी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि। क्या कह रही हो तुम, किसकी बात कर रही हो? राम की, माहिम की बस्ती में एक और आदमी है राजा, हूबहू राम जैसा है। डैडी इन दोनों में से एक रोटी वाला चोर जरूर है। तुमसे मैंने कहा था मधु, ये क्राइम रिपोर्टिंग के चक्कर में मत पड़ो। आम चोर नहीं, ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। गुड मॉर्निंग मधु जी। ओ विजय साहब, आज सुबह सुबह इस तरफ? सुबह सुबह मैंने सोचा एक प्याले चाय आपके साथ पी लूं, साथ में बातचीत भी हो जाएगी। ये क्या लिख रहे हैं आप? वही रोटी वाले चोर के कारनामे, सोचा ये आखिरी कड़ी लिख के मैं लंदन वापस चली जाऊं। आइए बैठिए। थैंक यू। कहिए राजा और राम की कोई नई खबर? हैरत की बात तो यह है कि अगर राम ही रोटी वाला चोर है तो वो अपनी बिल्लो को आंगन वाला घर क्यों नहीं खरीद देता, या अब्दुल चाचा को हज करवाने के लिए पैसे क्यों नहीं छोड़ता? करेक्ट, यही बात मैं भी जानना चाहता था। विजय साहब, शायद पुलिस वालों की तरह चोरों के भी कोई उसूल होते हों। हो सकता है वो अपनी बिल्लो का घर चोरी के पैसों से ना बनवाना चाहता हो। और चोरी के पैसे से अब्दुल चाचा को हज भी ना कराना चाहता हो, यही ना? बिल्कुल। लगता है इस चोर को आप अच्छी तरह समझती हैं। अच्छी तरह तो नहीं, लेकिन कोशिश जरूर कर रही हूँ। फर्ज कीजिए राम ही चोर है तो करोड़ों की चोरी में से उसका भी काफी हिस्सा होगा, और आप तो जानते ही हैं
कि धन की चकाचौंध छुपाए नहीं छुपती। जी हाँ, होता तो यही है, मगर ना किसी ने इस आदमी को जुआ खाने में देखा है, ना किसी शराब खाने में देखा है, और ना ही किसी अय्याशी के अड्डे पर देखा है। इसका मतलब है वो चोरी ऐश के लिए नहीं बल्कि किसी खास मकसद के लिए कर रहा है। आप शायद ये कहना चाहते हैं कि वो अपने हिस्से का रुपया रोटी में बांध कर जरूरतमंदों में बांट देता है। जब आप इतना कुछ जानते हैं तो आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? आप भी तो जानती हैं, कानून सबूत मांगता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि रोटी वाला चोर सिर्फ एक मोहरा है, उसके पीछे शतरंज कोई और शैतान खेल रहा है। कोई और? या एक दिन वो रोटी वाला चोर मेरे हाथों आ ही गया था। लेकिन इस गोली की वजह से वो बच गया। तो बात साफ है, इसके पीछे कोई शैतान है और उस शैतान के चुंगल में ये फरिश्ता फंसा हुआ है। हाय सुप्रीमो। हाय विनोद, जॉइन अस मैन, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। अफसोस की बात है विनोद साहब, आप अब तक राणा से उसके हीरो का पता नहीं लगा सके। इज अ ब्लडी हार्ड नट टू क्रैक, फिर भी मैं अपने मकसद में जल्दी कामयाब हो जाऊंगा। अरे भाई, वो हीरो का आशिक है, उसे हीरे दिखाओ, उकसाओ और फिर खजाने का पता लगाओ। ये लो मियां। ओफो, अरे भाई ये शीशा क्यों चमका रहे हैं आप बार बार? राणा साहब, एक अनमोल हीरे को शीशा कहकर नजरों से मत गिराइए। तुम राणा जोरावर सिंह को हीरों के बारे में बताओगे? जौहरी विनोद कुमार, आओ आज तुम्हें ऐसे हीरे दिखाता हूं जो तुमने जिंदगी भर नहीं देखे होंगे। चलो। घबराओ मत, अगर यह दरवाजा बंद न होता तो सारे कमरे अलार्म से गूंज उठते। तमन्ना, मैं रोशनी करने जा रहा हूं। मिसाल बेशकीमती, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसे नायाब हीरे नहीं देखे। जौहरी लगाने लगा कीमत। राणा, तू तो अपने खानदान का आखिरी वारिस है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। एक बात बता, क्या करेगा इतनी बेहिसाब दौलत का? सच पूछो विनोद, जब भी इस खजाने को देखता हूं तो अपने पुरखों के कारनामों की वजह से मेरा सर शर्म से झुक जाता है। ये रूबी, इनसे उन लाखों गरीबों के कतरा कतरा करके निचोड़े हुए खून की बू आती है। ये हीरे उनके जम चुके आंसू हैं, और ये पन्ने, इनमें गरीब किसानों के रौंदे हुए खेतों की हरियाली समाई हुई है। मैंने फैसला कर लिया विनोद, ये उन गरीब किसानों और मजदूरों की अमानत है, और ये मैं उन्हें वापस लौटा दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपना काम बखूबी निभाओगे। रिमेम्बर, तुम्हारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विनोद। मेरे होते हुए आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है रानी साहिबा, सारा काम प्लान के मुताबिक हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा राणा साहब के बंगले का मॉडल। बहुत खूब, वाकई तुम बहुत चुस्त हो विनोद। शुक्रिया। इस बंगले के नीचे एक तहखाने में राणा साहब ने अपना सारा खजाना महफूज रखा है, उसकी निगरानी और देखभाल के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी है। यूं समझ लीजिए रानी साहबा, वहां से हवा तक का गुजरना नामुमकिन है। हम इस मैन होल से होते हुए, छोटे नाले से होते हुए, मेन गटर से होते हुए बंगले के पास तक पहुंचेंगे, और इस मेन गटर से लेके बंगले के तहखाने तक हम एक सुरंग खोदेंगे। विनोद, काम बहुत मुश्किल है, क्या राम कर पाएगा? राम
उस सुरंग खोदने में वक्त तो लगेगा, उसके लिए उसे काफी दिन गायब भी रहना पड़े। पगली सेठ के कितने एहसान है मुझ पर, उसने क्या क्या नहीं सिखाया मुझको, और फिर अब उसने धमकी भी दी है कि अगर मैं उसके एक दो काम किए बगैर बंबई से गया तो जान से जाऊंगा। अब विचार कर ले, तुझे राजा की जान चाहिए, एकदम टिकट। कितना और इंतजार करना पड़ेगा? अरे ये काम होते ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा, फिर सेठ लाखों रुपए से मालामाल कर देगा, फिर बिल्लो और बिल्लो का राजा। अच्छा बाबा, करा ले जितना और इंतजार कराना है। राजा को अपने वादे याद हैं बिल्लो, राजा को अपने वादे याद हैं, सो पूरा करेगा। तेरी मेरी दोस्ती तब की है जब हम दोनों भटकते एक दूसरे को मिल गए थे। कई बार तू मेरे साथ खेला होगा, शायद रात की खामोशी मेरे साथ रोया भी होगा जो किसी ने देखा नहीं। एक बात बता, मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूं, अगर लौटा नहीं तो मुझे ढूंढेगा भी या नहीं? गीली लकड़ी है मौसी, सूखी होती तो जल भी जाती। अरे मैं सब समझती हूँ, मर्द बच्चा है, किसी काम में अटक गया होगा। आज कई रोज हो गए मौसी। तो कौन सा बरस बीत गया? फिर कब मिलोगी चम्मक? चलो चल, छोड़ बिल्लो। ओके डार्लिंग, गुड नाइट। मुझे तो जिंदगी में मिला सुमिला, लेकिन बिल्लो को आंगन वाला घर दे दे माँ। Yeah.
क्या बात है चाचा? कुछ दिनों से अपना राजा गायब है। अरे हाँ यार, वाकई बहुत दिनों से राजा को देखा नहीं। अब ये माजरा क्या है? वाकई कमाल है। झोपड़ियों का राजा गायब, महलों का राम गायब, गरीबों का रोटी वाला चोर गायब, अखबारों से हीरे चुराने की मोटी मोटी सुर्खियां गायब। अगर कुछ गायब नहीं है तो वो है सिर्फ हीरे। कुछ समझे? कुछ नहीं समझे। रास्ते में रोटी वाले चोर की ये चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा है कि मैं बीमार हूं, लेकिन जिन जिन को मैंने जो कुछ भी वादा किया है वो जरूर पूरा करूंगा। सिकंदर, तू बचपन में चिट्ठी का चक्कर चलाया करता था, ये नया चक्कर क्या है? चाचा, जिस चक्कर से इन गरीबों का भला हो वो चक्कर हमेशा चलना चाहिए। ये जिंदगी भी तो एक चक्कर है चाचा, मगर अपना राजा किस चक्कर में है? हाँ तो बिल्लो, हम लोग क्या खाकर बड़े हुए थे? हाँ, चक्की से आटा बटोर कर लाते थे और पका कर खाते थे। और आज जब वो छोटी सी चक्की एक बहुत बड़ी फ्लावर मिल बन गई है तो राजा वहां क्या करता है? मजदूरी। मजदूरी हुआ ना, मालिक तो नहीं। जानती है बिल्लो, मजदूर के पास पैसा नहीं, पसीना होता है, सिर्फ पसीना। चेहरे पे पसीना, हाथों में चंद सिक्के मजदूर के होते हैं, जीवन भर के नंगे भूखे आकाश के नीचे सोते हैं। लोग तुझे भगवान कहते हैं, लेकिन तू कैसा भगवान है रे? नंगे भूखे इंसान को देखकर तुझे कुछ नहीं होता? उन्हें तड़प तड़प कर मरते हुए देखकर तुझे कुछ नहीं होता? अरे अरे, हम इंसान होकर उनका दुख नहीं देख सकते, और तू उनका खुदा भगवान होकर चुपचाप बैठा रहता है, आखिर क्यों? अरे तेरे से तो अच्छा हमारा राजा था, वो तो गरीबों के काम आता, लेकिन तूने तो उसे भी गायब कर दिया। गरीब बेसहारा हो गया भगवान, और मैं बिना दोस्त के अकेला रह गया। लेकिन मैं राजा के काम को आगे बढ़ाऊंगा। सुना तूने? मैं राजा के काम को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, जब तक इस शरीर में सांस चलेगा मैं हर गरीब के दुख में काम आऊंगा। चाचा के हज जाने का वक्त आ रहा है और राजा की कोई खबर नहीं। मेरा आंगन तो बनता रहेगा, लेकिन चाचा का हज जरूर होगा। ये थोड़ी सी मिठाई। अरे खुश रहो बेटा, काश राजा भी आज यहां होता। मुझे हज करवा रहा है और खुद पता नहीं कहां है। खैर जहां भी है
अल्लाह उसे खुश रखे, बरकत दे। चाचा आप मेरे लिए भी थोड़ी सी दुआ मांगना। अरे तुम दुनिया के बड़े कलाकार बनो, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे मेरे सिकंदर, अरे हम तुमको बड़ी अक्का बंबई में ढूंढा और तुम इधर खड़ा दंत मंजन बेचता है। ने, ने, अरे भाई हमारे सेठ ने तुमको 100 रुपया देकर साइन किया, भूल गया जी? अरे रे रे बड़ी, तुम हमारे सेठ की फिल्म का हीरो है, हीरो। पूछो। क्या ये मुमकिन है, बोलो क्या हो सकता है ऐसा, मुझको जीवन साथी चाहिए कोई तुम्हारे जैसा, ऐसा जीवन साथी जिसके साथ में दूर बहुत दूर तक चलती रहूं, जहां जमीन और आसमान मिलते हैं। मैं हूँ जमीन तुम आसमान हो, मैं हूँ जमीन तुम आसमान, फिर मिलन हमारा कैसा, ये अपनी नजरों का भरम है, कब मुमकिन है ऐसा। नामुमकिन है, हम जितने चलते रहेंगे उफक उतनी ही दूर रहेगा, क्योंकि जमीन और आसमान कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते। गलत, मैं जमीन तुम आसमान, देखो हम दोनों मिल गए ना। गगन और धरती ये भी है मजबूर, लिपटे हुए लगते हैं फिर भी एक दूजे से दूर, पाकर जिसको पान सके हम उसका पाना कैसा, मुझको जीवन साथी चाहिए कोई तुम्हारे जैसा। बिना तुम्हारे धुंध है जीवन, कुछ भी नजर न आए, इन धुंधली राहों में न जाने कौन कहां खो जाए, जीवन साथी चाहिए कोई तुम्हारे जैसा।
अभी तक यह खजाना सरकार को क्यों नहीं दिया? बेपनाह दौलत एक बहुत बुरी बीमारी होती है और वक्त हर बीमारी का इलाज है। अब कहीं जाकर इस बीमारी से छुटकारा मिला है, इसलिए कौम की अमानत उसे जल्दी से जल्दी वापस देकर चैन की सांस लेने का फैसला कर चुका हूं। लास्ट क्वेश्चन राणा साहब, क्या आप इस पैसे को किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करवाना चाहते हैं? मेरी ख्वाहिश है कि यह सारा पैसा गरीबों और मोहताजों में उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। That's very good. Thank you, राणा साहब। अब आप खबरें सुनिए। आज राजगढ़ के राणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना खानदानी हीरों का खजाना सरकार के हवाले करने का ऐलान करते हुए कहा कि वो अपना सारा खजाना गरीबों की उन्नति और खुशहाली पे लगाने के लिए दे रहे हैं। एक नामा निगार के सवाल का जवाब देते हुए राणा साहब ने कहा कि मैं गरीबों की अमानत उनको वापस लौटा रहा हूँ। अखबार तो तुम पढ़ी चुके होगे। राणा ने अपना सारा खजाना सरकार के हवाले करने का ऐलान किया है जी। उसे गरीबों की भलाई पर खर्च करने का फैसला भी किया है। अगर ये राम ने पढ़ लिया तो वो खजाना नहीं चुराएगा। इसके साथ ही हमारी बरसों की गई कोशिशें खाक की तरह उड़ जाएंगी। सो ये खबर राम तक न जा सके, इसलिए मुकम्मल तौर से होशियार रहना। तो अब तुम जा सकते हो। अरे अपन तो यहाँ बैठे हैं। पेशरम यहाँ बैठ के खीर पूरियां खा रहा है। ये ने पूछा बिल्लो इतने दिनों से भूखी है या कुछ खाया पिया? अरे गुस्से में लाल पीली मत हो, हमारी बात तो सुन। ये प्यार में भूख कौन को लगती है? भूख तो लगती है दुख में। हमारा दुख तो पूछ। तो क्या तू दुखी है? दुखी दुखी भी कैसा, इतने दिनों से तुझे देखा नहीं, क्या मजाक है? देखा नहीं तो फिर बता इतने दिनों से दिए कहाँ जला रहा था? अरे दिए नहीं जला रहा था, अपने आप को जला रहा था। अपने आप को जला रहा था? अरे सोकर कर मुझे देख रही है, मेरी राख को नहीं। नहीं नहीं अब तुम नहीं जाओगे, बहुत हो गया। बोल भगवान शंकर से, बिल्लो को छोड़कर हम तुझसे भी मिलने नहीं आएंगे, तुझसे भी मिलने नहीं आएंगे। कल खजाना हमारे हाथ में होगा और विनोद दूसरी दुनिया में, हमारा नाम भी दुनिया की सबसे अमीर औरतों में शामिल होगा। तुझे जहरीले नाग लिपटे हुए हैं, लेकिन तू तो परमेश्वर है, मैं तो एक भटका हुआ इंसान जिसे अनेक सांपों ने घेर रखा है। अब मैं यहां से भाग जाना चाहता हूं। तुम और यहां, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि खजाने का काम अधूरा छोड़कर यहां चले आए? गुजरे हुए कल आज में बहुत फर्क आ चुका है सेठ। रहा श्राम की हिम्मत का, वो तो तुम देखते आए हो और देखते रहोगे। इससे पहले कि यहां तुम्हें कोई देखे, यहां तो चत्ते बनो। तुम्हें पसीना आ रहा है, उसे पूछ लो। मेरी राय मानो तो बैठ जाओ, चक्कर आ गया तो गिर पड़ोगे। मतलब की बात करो, चल जाओ यहां से। सेठ ये राम तुम्हारे लिए ये खजाना चोरी नहीं करेगा। क्या ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई बदल भी सकती है? इस राम के जब इरादे बनते हैं तो बदलते नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो, कुछ तो सोचो। मैं तुम्हें गंदी बस्तियों से निकालकर अपनी जगमगाती दुनिया में लेकर आया, इतनी जल्दी भूल गए मेरे एहसानों को? खुद गर्ज इंसान और एहसान, एहसान तो इस राम ने किए हैं तुम पर। तुम्हारे एहसान और मुझ पर? तुम्हारी ये जगमगाती दुनिया, इसके वजूद को राम ने जन्म दिया। तुम्हारी काली करतूतों से बुनी हुई काली चादर राम ने अपने तन पर ओढ़ ली और अंधेरों में काली परछाई की तरह वो भागता रहा, भटकता रहा, ताकि तुम उजालों में रह सको। एहसान फरामोश राम नहीं, तुम हो मेरे सेठ। तो एक आखिरी एहसान और कर दो, वो खजाना ले आओ। राम अमानत में खयानत नहीं करता सेठ। लेकिन रानी
किसी भी कीमत पर उस खजाने को हासिल करके रहेगी। जिनकी दीवारें कांच की होती हैं, वो रोशनी में कपड़े नहीं बदलते, वो कोई भी रास्ता अपनाएगी। रानी के हर उस रास्ते पर राम चट्टान की तरह खड़ा होगा और रानी हर उस राम को खत्म कर देगी। उसे रानी क्या खत्म करेगी, राम को तो खत्म होना राजा का हाथों लिखा है। तुम्हारा ये बनाया हुआ राम मर जाएगा और जिंदा रहेगा राजा। तुम हो क्या चीज? मैं वही कृष्णा हूं जो हमेशा शीशे से पत्थर को तोड़ता आया। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद? खजाना हासिल करने की हसरत अपने दिल से निकाल दो। यहाँ से तुम तो क्या, तुम्हारी लाश भी हमारी इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। शट अप। तुम्हारे बनाए हुए ये मोम के पुतले तो राम के हाथों की गर्मी से ही पिघल जाएंगे। कबूतर की छठी औलाद, मर्दों के सीने तो बालों से भरे होते हैं, अपनी ये औरतों जैसी छाती ढक के रखा कर। बता दो उस मुट्ठी में क्या है? क्या है? अरे अरे बताओ ना क्या है? नहीं दिखाऊंगा, नहीं दूंगा। दिखा दो सही। नहीं दूंगा। दिखाओ ना राजा। देखिए। अरे रेलगाड़ी की टिकट चंद्रपुर के है ना? तुम अव्वल नंबर के आदमी हो। फर्स्ट क्लास आदमी ही नहीं, अव्वल नंबर का इंसान भी। इससे पहले मैं तुम्हारी खाल खींच लूं बुड्ढे, बता खजाना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? क्यों अपनी जान देने पे उतरा है? बता दे खजाना कहाँ है? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। तो तू नहीं बताएगा? हेलो टाइगर। हेलो अल्बर्ट, मैं टाइगर। राजा को जानते हो? राजा? अरे जो माहिम की झोपड़पट्टी में रहता है। हाँ, उसकी माशू का बिल्लो फौरन उठा लो। लेकिन माल कितना मिलेगा? वो तो तुम जानते ही हो। हाँ हाँ जानता है अपन। हमें अभी भी पता चला है कि तुलसीराम के सारे खुफिया आटे जानती है। वो अल्बर्ट के कमरे से अभी अभी भाग निकली है। तुम लोग उसका पीछा करो और राम को खजाने के समेत हमारे यहां पेश करो। अरे अब्बू चाचा, आप हंसे लौटे। आज मैं कितना खुश हूं चाचा, आपकी दुआ से मैं क्या से क्या बन गया। अब सिकंदर इस बस्ती को स्वर्ग बना देगा। आजा। ए मुन्ने, उठ, चल उठ। तू हमारा सिकंदर नहीं हो सकता, वो तो कहीं बड़े लोगों में खो गया है। बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना, वो हीरो बन गया है, तभी तो तू ना। पूछा जा ऐसा मत कहिए, आज भी मैं वही हूं, इस बस्ती के लिए हूं। ये बस्ती मेरी माँ है और कोई बच्चा अपनी माँ की कोख को भूल सकता है? चाचा, मुझे इस बुलंदी तक आप लोगों के प्यार ने पहुंचाया है। आज ऐसा कहकर मुझे मत गिराइए अबू चाचा, मत गिराइए। बैठ जा। अपना राजा कहां है? बोल बिल्लो कहां है? बताता हूँ, बताता हूँ। मैंने तो उसे रानी साहिबा के डैम में टाइगर के हवाले कर दिया था। आ, आ, बता राजा कहां है? मुझे नहीं मालूम राजा कहां है। अगर मालूम होता भी तो तुम जैसे चंडालों को नहीं बताऊंगी। कैसे नहीं बताएगी, सरबान काट के रख दूंगी। मुझे नहीं मालूम।
करता है। इस बेगुनाह को क्यों मारती हो? तुम्हें खजाना चाहिए ना? चलो मैं तुम्हें मान लिए चलता हूँ। मैं जब घर पहुंची तो डैडी का खत और ये नक्शा मुझे वहां मिला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ बुड्ढा खुसर? हम ठीक जगह पहुंच गए ना? हाँ, हम बिल्कुल ठीक जगह पहुंच गए। याद रख, अगर राजा ये खजाना ले जा चुका है तो समझ ले तेरी बहुत का वक्त भी आ चुका है। राजा का नाम लेके हमें नहीं। राजा क्या है वो मैं जानता हूँ। तेरे ऐसी बेवकूफ लड़की ना है। हाँ, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता ये दोनों मुझे जिंदा मिलना चाहिए। यस बॉस। मिलने की कोशिश मत करो। अरे तुलसी, राम ने तो एक दिन मरना ही है ताकि राजा जिंदा रह सके। राजा! रुको, पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर लो। Come on, move fast! मुझे खजाना मिल गया। अबे मुझे खजाना मिल गया। अबे तुम्हें सबसे अमीर आदमी बन गया। तू मेरे साथ खूबसूरत जिंदगी देखना चाहती है या खटर के सड़े हुए पानी में अपनी मौत? तुम्हारी जिंदगी जिसे तुम खूबसूरत समझते हो वो इस गटर के पानी से भी ज्यादा सड़ी हुई और बदबूदार है। तो फिर चीखो, चिल्लाओ, किसी को अपनी मदद के लिए बुलाओ, क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे हाथों इसी वक्त जेल लिखी हुई है। वो तेरी लाख बुला चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कौन है तू? तुम्हारी मौत। क्या चाहते हो बेटे? जनता की अमानत का वो डिब्बा जो तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में ये पिस्तौल भी है बच्चे। बानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो देख। मैंने कहा था ना टाइगर, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। Thank you.
मेरे मन की तमन्ना पूरी हो गई। मेरी आखिरी सांस तेरी बाहों में निकल रही है राजा। मैंने आज तक कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस एक बार मुझे अपने सीने से लगा ले राजा। राजा ये तूने क्या किया? तुलसी ही का तो दूसरा नाम कुर्बानी है। अब एक अच्छे बच्चे की तरह ये बॉक्स टाइगर के हवाले कर दो। हरगिज नहीं। तो ले, अब कुत्ते की मौत मरने को तैयार हो जा। हीरे मेरे हवाले कर दे। नहीं, अब भी दे दे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब भी इसमें गोलियां बाकी हैं जो तुम्हारी सरफरोशी की तमन्ना को पूरी कर देंगी। तुलसी, मेरे माथे पर तेरे कफन की ये जरा सी चिंदी अब तब ही उतरेगी जब मैं इससे तेरे कातिलों का एक लंबा चौड़ा कफन बना दूंगा। ये राजा का कौल है। साला यहीं कहीं पर है, अब बचकर कहां जाए। बिल्लो और सिकंदर को बेहोश करके पकड़ तो लिया, लेकिन हीरे उनके पास नहीं मिले। बिल्लो को पिंजरे में और सिकंदर को मेरे चैम्बर में बांधो। इस पुर्जे के पुर्जे उड़ा दूं। रुक जाओ, तुम अब हमारे जाल में फंस चुके हो। ड्रॉप योर गन।
जो करना होता है राजा कर गुजरता है। वेलकम वेलकम, हम तुम्हारे इंतजार में बेकरार थे। अपनी मौत के लिए बेकरार होने वाला तुम पहले आदमी मिले हो मुझे। हमारी बातें तो होती ही रहेंगी, अपने दोस्त का हाल चाल नहीं पूछोगे? हराम खोर, खजाना मेरे हवाले कर दो वरना अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। खजाने पे जिनका हक था वो उन्हें मिल गया। तो फिर इसका मुझे हिसाब कौन देगा, रोटी वाला चोर, राजा या फिर राम? राम, इस दुनिया में जब कभी कोई भी रावण पैदा हुआ है तो किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई राम इस दुनिया में उसकी मौत बनकर आया है। बाकी रहा हिसाब का, वो सिकंदर के जिस्म पर एक एक जख्म का और तुलसी की मौत का हिसाब तुम दोगे। मां मुराद, जान सिकंदर आग गले लग जा, अब चंद्रपुर चलेंगे। अरे राम, इंस्पेक्टर साहब, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। राम राम कौन सा राम, अपन तो राजा है। ये रहा अपना यार सिकंदर और ये रही अपनी बिल्लो। बेशक तुमने काले धंधे वालों को लूटा और लोगों में उसी धन को बांटा, मगर कानून की नजर में तुम एक चोर हो, मुजरिम हो। अंदर जाके देखिए मुजरिमों को संभालिए। मैं इंसान हूं, मैं आया था, आया हूं, मैं आता रहूंगा। Shoot.